गृहस्थ यानी आस्था, संस्कृति, सरोकारों और धर्म का महत्व। श्रद्धालु हैं वो सहयोग कम कर रहे हैं, जैसे अभी पंचकोशी यात्रा का प्रेशर बहुत है, 15 से 20 लाख लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वो चाहे जाएं जहाँ उनके लिए निर्धारित स्थान है उनको छोड़ के हर कहीं जाम लगा दे रहे हैं, हर कहीं रोक दे रहे हैं, तो उन्हें रोटेट करने में हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी देखना पड़ रही है यहाँ पे। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, व्यवस्थाओं को कहने के बाद भी सुन नहीं रहे हैं, ये एक मेन परेशानी हो रही है। आप कहाँ से हैं, उज्जैन से ही हैं? मैं रतलाम जिले से हूँ सर, राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से केंद्रीय कार्यालय में सेवाएं दे रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? सर रतलाम से ही। आपको क्या लगता है, व्यवस्थाएं ठीक हैं या लोग? बिल्कुल सर, व्यवस्था थोड़ा बहुत सहयोग चाहिए श्रद्धालुओं का, पर एक व्यवस्था के डर से लोग कम भी आए हैं, ये भी बात सामने आ रही है कि इतना डर गए लोग सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे, वो आ नहीं रहे। कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत है। कोई भी जवान जो है वो कभी पीछे हटता नहीं है, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा तो करेंगे, लेकिन हमारे अधिकारियों को विशेष तौर पर जो फोर्स है उसके प्रति थोड़ी संवेदना होनी चाहिए। रहने की व्यवस्था में भी टेंटों पर कभी झाड़ू लगता ही नहीं है, उसके बाद टेंट पूरे झुक रहे हैं, उसके बाद बिजली की व्यवस्था जो है दिन भर कटौती होती है, उसमें बिजली पंखे वगैरह सब बंद हो रहते हैं, वैसे गर्मी में हम लोग पड़े रहते हैं, पानी खत्म हो जाता तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। आप कहाँ से हैं प्रहलाद जी? जिला बैतूल से। बैतूल से आए हैं, कब से हैं यहाँ पर ड्यूटी पे? हम लोग बैतूल जिले से 1 अप्रैल से रवाना हुए हैं, यहाँ 3 तारीख से हम लोग शहर ड्यूटी पर हैं। तो आप व्यवस्थाओं से खुश नहीं हैं? हम लोग व्यवस्थाओं से नाखुश हैं, क्योंकि सुविधा तो ये भंडारों में इतना सारा खाना बन रहा है वो आपके लिए उपलब्ध नहीं है? हमारे यहाँ जो भंडारा चलता है उसमें भोजन तो बनाते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें कुछ बासी रोटियाँ भी मिला देते हैं, हम लोगों ने रात को भी खाया तो ऐसी कड़क सूखी सूखी रोटियाँ खाए, हमने बोला मन मार करके हम लोगों ने खा लिया, जैसा तैसा हमको नौकरी करना तो है, जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बाकी क्या है कि वहाँ नाश्ते में कुछ बदलाव आना चाहिए, पोहा खिलाते हैं, उसके बाद सब्जी में क्या कद्दू है, लौकी, और उसमें भी ऐसा ऊपर से कच्ची मिर्ची डाल देते हैं तो वो खिलाता ही नहीं है। तो खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, पीने का पानी वगैरह तो उपलब्ध? पीने का पानी तो उपलब्ध है, बाकी भीड़ वगैरह इस बार कम रही, उसका क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि फोर्स की तो व्यवस्था अच्छी है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत कम रखते हैं, अच्छा किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा डर पैदा हुआ होगा। अरे अभी महाकाल मंदिर में आदमी स्टैंडिंग लेके घुस गया, आप कह रहे हो कि व्यवस्था अच्छी है, ये तो कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ भी हुई है। मैंने क्या है, इसमें सभी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही तो नहीं बरतते हैं, क्योंकि हम लोग भी 8 घंटे कंटिन्यू चलते हैं, हम अपनी जवाबदारी बाखूबी निभाते हैं। ड्यूटी का टाइम ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, कुछ नहीं टाइम ठीक है, सब शिफ्ट तो लगी हुई है? ड्यूटियाँ तो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वैसे 3 शिफ्ट अगर हो जाता तो उसको फोर्स को काफ़ी रिलैक्स मिल जाता, हम लोग कपड़े धोने तक का टाइम नहीं मिलता। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी 8 बजे से हम लोग आए हैं, अब 2 बजे तक करेंगे, 2 बजे के बाद फिर हम लोग यहाँ से जाने के बाद फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे तो 3 बज जाएंगे, 3 बजे के बाद फिर हम लोग सोएंगे, 10 बजे फिर आएंगे हम लोग रात्रि में, तो सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, तो ये लंबी ड्यूटी हो जाती है, इसमें हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग कपड़े धो लें, अपना कुछ थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ना, सोने के लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है, नींद पूरी नहीं होती जिससे आँखों में जलन और बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं उससे। ठीक है।